स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत् शांति 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 स्वामी स्वामीजी महाराज मुनिगण मातृशक्ति ब्रह्मचारी गण, गण धर्म प्रेमी सज्जनों मान्यवर सुभाष जी नवाल मान्य उपाचार्य जी संबंध इन संबंधों में यदि शब्द के ऊपर विचार करके देखते हैं सम्यक रूपेण सम्यक प्रकार से अच्छे प्रकार से बंधन बंधा हुआ संबंध संसार का कई व्यक्ति किन्हीं से संबंध बनाते हैं यदि वो संबंध किसी बड़े व्यक्ति से है बड़े व्यक्ति से है तो हम उस संबंध को संसार में प्रचारित करना चाहते हैं कि मेरा उस व्यक्ति से संबंध है स्वामी रामदेव जी से मेरा संबंध चल रहा है हम उठते बैठते हैं मोदी जी से मेरा संबंध है हम उनसे बातचीत करते हैं राष्ट्रपति हमारे संबंध में है हमारे संपर्क में है जब किसी बड़े व्यक्ति से संबंध बनता है संबंध बनता है तो व्यक्ति उस संबंध को प्रचारित करता है लोक में दिखाता है उस संबंध को दिखाना चाहता है या अपने आप को दिखाना चाहता है उसके पीछे संबंध दिखाने की इच्छा है या स्वयं को प्रकट करने की इच्छा है प्रकट करने की भावना है यदि किसी हीन व्यक्ति से संबंध बन गया बन गया था और अब उसको चाहता नहीं है तो उस संबंध को दिखाना बताना नहीं चाहता उस संबंध को दिखाना बताना नहीं चाहता अथवा उस संबंध के जरिए इतने अंश में अपने आप को छिपाना चाहता है अनेक सारे संबंध ऐसे होते हैं जो लोक के लिए कुछ और संबंध होते हैं और व्यक्तिगत रूप से कुछ और संबंध होते हैं बाबा जी को जेल में डाल दिया बाबा जी ने एक गोद ले रखी थी कहने में मीडिया ने सब दिखाया कि गोद ले रखी है सिर के ऊपर हाथ रख रखा है कहने में तो वो भी पापा कहती होगी डैडी कहती होगी कहने में तो ये भी बेटी कहता होगा संसार के लिए उनका क्या संबंध था मीडिया ने सब दिखाया लेकिन अंदर से क्या संबंध रहा होगा क्या संबंध होगा उनका वो तो वो जानते हैं परमात्मा जानता है कुछ संबंध ऐसे बना लिए जाते हैं कि सांसारिक दृष्टि से ऐसे दिखाएंगे कि ये कुछ और हैं और अंदर कुछ और होता है उस संबंध को छिपा करके रखते हैं संसार का जो संबंध दिखावे के लिए है उस संबंध को प्रकट करेंगे और हाईलाइट करके दिखाएंगे बाबा जी ने खूब हाईलाइट किया इसको यथार्थ में संसार की संबंध सम्यक रूपेण बद्धनाति, जो हमें अच्छे प्रकार से बांध लेता है अथवा हम अच्छे प्रकार से जिससे बंधे हुए हैं वो संबंध है यदि संबंध के विषय में देखने लगते हैं देखने लगते हैं तो संसार के किसी भी संबंध से हम अच्छे प्रकार से नहीं बंधे हुए चाहे मां बेटे का संबंध हो वो मां बेटे का कितने दिन तक मां की अवस्था कितनी है पचास साल और जीलेगी और जीने के बाद पचास साल के बाद बेटे से संबंध है नहीं रहेगा बाप से कितने दिनों का संबंध है बाप भी 10-20 साल तक और लेगा और वृद्ध हो गया है तो 5 साल और लेगा पांच साल तक संबंध है उसके बाद मित्र बने थे सम समवय एक ही वय के थे एक ही अवस्था के थे बचपन से मित्रता का संबंध हो गया है बचपन से मित्रता का संबंध हुआ पांच साल के थे तब हाथ मिल गया था और हाथ मिला तो इतना संबंध रहा कि कभी मन में वैमनस्य पैदा नहीं हुआ लेकिन यह भी कितना लंबा संबंध होगा पांच साल से नब्बे वर्ष की स्थिति ले जाए तो पिचासी वर्ष का यह संबंध रहा इसके बाद संसार का संबंध तो कहीं ना कहीं टूटने वाला है वास्तविक संबंध क्या है ऋषिवर देवदयानंद जी से पूछा कि किससे संबंध बनाएं किसको संबंधी बनाए सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानी वेद भुवना विश्वा यत्र देवा अमृतम आन सान सु महर्षि दयानंद जी अंत में क्या लिखते हैं इस मंत्र के भाष्य में वही परमात्मा हमारा गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है वही परमात्मा हमारा राजा न्यायाधीश गुरु आचार्य है और उससे पहले क्या लिख दिया स न बंधु वह हमारा बंधु है बंधु का भी वही अर्थ बांधने वाला आग से आग जलती है बुझा हुआ दीपक किसी दूसरे को क्या जलाएगा जला हुआ दीपक ही दूसरे को जला सकता है जैसे अग्नि अग्नि जलाती है आग से आग लगती है ऐसे ही बंधन से बंधन कटता है यदि हम बंधन से बंधन कटने वाली बात को स्वीकार कर लेवे, निश्चित रूप से हम संबंधों का ठीक ठीक निर्वहन करने लग जाएंगे व्यक्ति बाहर से कुछ संबंध दिखाता है और आंतरिक संबंध कुछ और होता है इससे बड़ा अपवित्र व्यक्ति कौन होगा बाह्य दिखावा कुछ और है और आंतरिक कुछ और है ऋषिवर देव दयानंद जी कहते हैं परमात्मा के साथ जो संबंध हैं वो बाह्य दिखावा कुछ और हो और आंतरिक दिखावा कुछ और हो ऐसा नहीं है स न बंधु वह हमारा बंधु है बांधने वाला बंधन को बंधन काटता है कुछ लोगों की धारणा होती है कि बंधन में नहीं पड़ना चाहिए मानसिकता होती है ब्रह्मचारियों के ऊपर बहुत बंधन लगा रखें किसी से बात नहीं कर सकते यह आचार्य बहुत खराब है इन्होंने बंधन में डाल दिया कि ये किसी बाहर वाले से बात नहीं कर सकते बंधन लगा दिया छूट होनी चाहिए किसी से भी बातचीत करें पढ़ना है पढ़ाई पढ़ाई करनी है और क्या चाहिए को एजुकेशन बोलते हैं सह शिक्षा छूट है छूट दे रखी है पढ़ो पढ़ो और जो मन चाहे किसी से भी बातचीत करो उसका परिणाम क्या निकलता है उसका परिणाम लोक में दिखाई दे रहा है दिखाई देता है लोगों की मानसिकता बन जाती है बंधन में डाल दिया लेकिन ये बंधन बंधन को छोड़ाने वाले वाला बंधन है बंधन से बंधन कटता है जितना व्यक्ति नियमों में बंध गया नियमों में बंध गया मर्यादा में बंध गया ये नियमों का बंधन ये मर्यादाओं का बंधन हमारे मूल बंधन को काटने के लिए है लेकिन कई बार व्यक्ति के मन में आ ही जाता है कि हमें बंधन में डाल दिया छूट दी जा सकती है छूट है बहुत जगह छूटे हैं लेकिन योग्य आचार्य ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं वह हमारा गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है उस गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश ने ही हमें बंधन दे रखे हैं और उस गुरु राजा आचार्य न्यायाधीश ने ही कहा है कि यदि तुम इन बंधनों में बंध करके चलोगे तो मूल बंधन कट जाएगा और इन बंधनों में बंध करके नहीं चलोगे तो मूल बंध जो है और कस्ता चला जाएगा और गहरी गांठ बंधती चली जाएगी उससे न छूट पाओगे क्या परमात्मा ने बंधन नहीं बनाए ईश्वर ने बंधन बनाई है धर्म का बंधन डाल रखा है सनो बंधुर जनिता सविधाता यदि वास्तविक संबंध देखने निकलते हैं तो संबंध वो मंत्र बता रहा है संबंध क्या हो सकता है संबंध भाई का हो सकता है लेकिन यथार्थ में बाहर निकलते हैं तो कंधे पर हाथ डाल करके निकलते हैं ये कौन है ये भाई है बड़ा प्रेम है इनमें लेकिन अंदर जाते हैं अंदर जाते हैं तो लठ बजता है बाहर का दिखावा और अंदर का कुछ और इसको संबंध नहीं कहते ये अवैध संबंध है अवैध संबंध इस अवैध को कितना हमने विकृत कर दिया इस अवैध संबंध जैसे ही हमारे मन मस्तिष्क में आता है हम कुछ और अर्थ लेते हैं ये भी अवैध संबंध ही है बाहर हाथ कंधे पर हाथ डाल करके निकल रहे हैं और अंदर दोनों लठ बजाते हैं कोई संबंध संबंध नहीं है अच्छा संबंध नहीं है ये स नो बंधुर जनिता वह परमात्मा हमारा बंधु है वो संबंध दिखाया कौन सा संबंध वो बंधु का संबंध वो हमारा भाई है भ्राता की समान सजनिता और वह उत्पन्न करने वाला है हमें उत्पन्न करने वाला है और संसार को उत्पन्न करने वाला है पिता का संबंध दिखाया धामानि वेद भुवनानी विश्वा विश्व समस्त धामन लोक मात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है वो परमात्मा की विशेषता यहां दी है कि वही परमात्मा समस्त नाम स्थान जन्मों को और लोक लोकांतरों को जानता है पूरी तरह से यदि इस सृष्टि का ज्ञान किसी को है तो परमेश्वर को है परमेश्वर के अतिरिक्त किसी को इस सृष्टि का पूरा ज्ञान न हुआ था न होगा और न है जो जीवात्मा ऋषित्व को प्राप्त कर गई है ऋषित्व को प्राप्त कर गई है उस जीवात्मा ने इतना तो इस सृष्टि के विषय में जाना जितना उसको मोक्ष में आवश्यक था जितनी मुक्ति में आवश्यक थी उतना तो जाना लेकिन समस्त रूप से कोई भी जीवात्मा इस सृष्टि के विषय में न जान सका है न जानेगा और न उसके अंदर सामर्थ्य है वरुण जी बता रहे थे शरीर विज्ञान डॉक्टरों ने वैद्यों ने शैल्य चिकित्सकों ने चिकित्सकों ने इस शरीर के ऊपर खूब खोजबीन की है बहुत खोजबीन की है लेकिन जब मस्तिष्क की, की बात आती है तो हाथ उठा देते हैं इस मस्तिष्क के विषय में दिमाग के विषय में वैज्ञानिक लोग हाथ उठा चुके हैं कि हम इसको नहीं जान सकते ये रहस्य है कितना बड़ा रहस्य है इतना बड़ा रहस्य है कि इस दिमाग को जानने वाला दिमाग ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता यह अपने आप में स्वयं ही कुछ कुछ जानता चला जाता अंदर अंदर और वो भी बहुत थोड़ा लेस मात्र होता है इसकी पूरी की पूरी जानकारी कौन रखता है धामानि वेद भुवनानी विश्वा वेद वही जानता है वो परमात्मा ही जानता है पूर्ण रूप से इस सृष्टि के विषय में यत्र देवा जिस परमात्मा में देवा विद्वान लोग साधारण लोग नहीं लिखा ये देव का बहुत महत्व दिखाई दे रहा है जहां भी बात आती है देवता को घुसेड़ देते हैं देवता को डाल देते हैं चित्रम देवानाम उदगा देवा नाम उदगा उद्वयम तमसस्परी स्व पश्यंत उत्तरम देवम देवत्र फिर देवा गया तत् चक्ष देव हितम पुरस्ता तत् चक्षुर देव हितम फिर देवा गया जहां भी देखते हैं जब मुक्ति की बात आती है ईश्वर के निकटता की बात आती है ईश्वर की विशेष कृपा और विशेष रक्षा की बात आती है तो वहां देव बीच में आ जाते हैं यहां भी तो कहा यत्र देवा जिस परमपिता परमात्मा में देव लोग अमृतम अमृत अम्रित को आनसान प्राप्त कर जाते हैं और कौन से अमृत को तृतीय वो तृतीय का अर्थ महर्षि दयानंद जी क्या कर रहे हैं सांसारिक सुख दुख से रहित ये पहला और दूसरा सुख दुख कौन सा था जो तीसरा लिखा है तृतीय सांसारिक सुख दुख से रहित तो उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं या तृतीय दिया है तो पहला और दूसरा भी तो होना चाहिए तीसरा कौन सा तीसरे की तो व्याख्या कर दी पहले दूसरे की कौन सी व्याख्या होगी ऐसा लगता है पहला ये सांसारिक सुख दुख दे दिया और तीसरा तो वो है ही परमात्मा का आनंद परमात्मा का सुख ये दूसरा कौन सा हो सकता है ऐसा लगता है कि दूसरा प्रलय अवस्था में जो जीवात्माएं मूर्छित अवस्था में पड़े रहते हैं भले ही वहां ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे संसार में सुख दुख की अनुभूति होती है वैसा नहीं हो रहा मूर्छा अवस्था में है लेकिन उस अवस्था में भी बंधन तो है ये दूसरा ही कहलाएगा और दूसरे हम सुख दुख को कहाँ से खोज करके लाएंगे वो तो कोई दिखाई नहीं दे रहा दिखाई नहीं दे रहा और तीसरे की व्याख्या कर दी दूसरा भी वो पहला भी दिखता है लेकिन दूसरा दिखाई नहीं दे रहा दूसरा दिखाई नहीं दे रहा तो निश्चित रूप से प्रलय अवस्था में जो जीवात्माएं बंधन में पड़े हैं न कुछ कर सकते न उन्नति कर सकते न अवनति कर सकते वही बेहोश मूर्छा अवस्था में पड़े हैं वो भी एक प्रकार का बंधन और बंधन में तामसिक बंधन अविद्या का बंधन सदैव दुख देने वाला ही होता है वो भी एक अविद्या का ही बंधन है और उस अविद्या युक्त बंधन में दुख ही होता है यत्र देवा जिस परमपिता परमात्मा में विद्वान लोग अमृतम उस मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं कौन से मोक्ष को तृतीय तीसरे सांसारिक सुख दुख से रहित जो है वो परमात्मा का आनंद है उसको प्राप्त कर लेते हैं और अधैर्यत तो वहां होता क्या है ऋषिवर देव दयानंद जी इसकी व्याख्या करते हैं कि स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हैं वहां देवता लोग विद्वान लोग मुक्ति को प्राप्त करके देव लोग उस परम पिता परमात्मा में स्वेच्छापूर्ण विचरण करते हैं अबाध गति से विचरण करते हैं अर्थात तो उनके सामने कोई बाधा नहीं होती कोई रुकावट नहीं होता संसार में तो पदे पदे रुकावटें हैं पदे पदे रुकावटें हैं बुरा काम करते हैं तो टोकते हैं अच्छा काम करते हैं तो रुकावट बुरे काम के लिए रोका जाए तो वो ठीक ही है लेकिन अच्छे काम में भी बाधा डाल दी जाए अच्छे काम में भी रुकावट डाल दी जाए ये ठीक नहीं है लेकिन संसार में होता है वहां परमपिता पिता परमात्मा के मोक्ष आनंद को प्राप्त करके ऋषि दयानंद जी लिखते हैं वो स्वेच्छापूर्ण विचरण करते हैं स्वेच्छापूर्वक और जब ये संबंध दिखाए वह परमात्मा हमारा गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है अंत में लिखते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है हम उसी की उपासना करें किसकी जो हमारा गुरु है जो हमारा राजा है कल गुरु दिवस मनाया गया अध्यापक दिवस मनाया गया टीचर डे कर दिया उसको बहुत सारे लोगों ने अपने अध्यापकों को बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों को याद किया होगा उनका सत्कार किया होगा लेकिन वो बाहर वाले गुरु की तो पूजा हुई है अंदर जो गुरु बैठा हुआ है जो सतत हमें देख रहा है शिक्षा देता है और आदि सृष्टि से शिक्षा देता आया है अनंत काल से शिक्षा देता आया है अनंत काल तक शिक्षा देता रहेगा वो गुरु आचार्य हमारे अंदर बैठा हुआ है हम उसका भी थोड़ा मोड़ा आदर सत्कार कर ये तो एक दिन अध्यापक दिवस हो गया टीचर डे हो गया लेकिन हमारे अंदर जो गुरु बैठा हुआ है हम उसको कब संभालेंगे कब उसके लिए कौन सा दिन होगा ऋषि दयानंद जी ने कह दिया हम उसकी सतत उपासना करें उसी की उपासना किया करें अर्थात हम उस गुरु को रोजाना आदर सत्कार देवें ध्यान उपासना करें ध्यान उपासना करें गुरु जी बैठे हुए थे शिष्य पहुंच गए बनने के लिए शिष्य थे नहीं बनने के लिए पहुंच गए गुरुदेव बड़े सिद्ध पुरुष हैं आप और हम आपका शिष्य बनाना चाहते हैं क्यों बनाना चाहते हो आप सिद्ध हैं कुछ सिद्धियां हमें भी प्राप्त हो जाएं आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं हमें भी सिद्धियां प्राप्त हो जाएं गुरु समझ गए लालची है सिद्धियों के लिए आया है ध्यान के लिए नहीं आया परमात्मा के लिए नहीं आया उपासना के लिए नहीं आया सिद्धि चाहिए कहने लगे भैया हमारे पास कुछ नहीं है धन्य है गुरुदेव धन्य है ऐसे ही तो गुरु होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है इसका मतलब आप ही के पास है भैया मेरे पास नहीं है कह दिया और पक्का हो गया पक्का आप ही के पास है जो ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है हमारे पास कुछ नहीं है वही तो पक्के गुरु होते हैं पक्के ज्ञानी होते हैं गुरुदेव कुछ तो कुछ देना पड़ेगा गुरुजी समझ गए जान खाएगा पीछा छुड़वा लेते हैं कागज पे मंत्र लिख दिया मंत्र क्या रहा होगा हो सकता है पेप्सी कोला लिख रखा हो हो सकता है कुरकुरे लिख दिए हों लिख के दे दिया पर्ची बंद और कह दिया कि पांच बार सुबह शाम रोजाना इसका जप करना पांच बार सुबह पांच बार शाम गुरुदेव इसमें कौन सा कठिन है हम जरूर निष्ठा से करेंगे गुरु ने कहा कि भाई इसका जप तो करना लेकिन बीच में बंदर का ध्यान ना आ जाए बंदर याद नहीं आ जाए अरे गुरुदेव वर्षों हो गए हमारे ख्यालों में दूर दूर तक कभी बंदर नहीं आया अब क्या आएगा पर्ची लेकर के चल पड़े ध्यान करना सिद्धि प्राप्त करनी परमात्मा को प्राप्त नहीं करना पर्ची लेकर के मंदिर से आश्रम से बाहर निकला ही था कि मुंडेर के ऊपर बंदर और एक दो ने थे पूरे दस बीस बंदरों की लाइन और कह दिया है कि ध्यान करते समय बंदर का ध्यान नहीं आ जाए तभी सिद्धि मिलेगी सामने बंदर हैं रास्ते में बंदर बंदर ही बंदर घुस गए अंदर अंदर बंदर चल रहा है इसने सोचा मामला क्या है जिसको सोचना नहीं चाहते वही वही दिखाई दे रहा है घर पे गया स्नान करके ध्यान करना था सिद्धि प्राप्त करनी थी नहाने लगा तो ऐसा लगा कि जैसे पानी भी बंदर ही है सिर के ऊपर डाला ऐसा लगा कि जैसे बंदर के ऊपर ही डाला है बाहर आया बंदर बड़बड़ा रहा था इन बंदरों जान खाली बंदर 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 पत्नी ने कहा कि पगला गए हो क्या पत्नी को भी कह रहा हट बंदरिया अब देखो मन की स्थिति जिसको हम छोड़ाना चाहते हैं वही अंदर घुसता है पत्नी को कहा बंदरिया हट पिताजी आ गए भले आदमी पत्नी को बंदरिया क्यों कह रहा पिताजी को भी क्या हट बूढ़े खुसट बंदर अब आप देखेंगे क्या दिखाई दे रहा पर्ची खोल करके देखी पर्ची में भी बंदर का ही चित्र दिखाई दे रहा मंत्र नहीं दिखाई दे रहा अब वो बैठेगा कैसे बैठेगा तो क्या पहले से ही इतना सब कुछ बंदर 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 याद आ रहा और बैठेगा तो क्या दिखाई देगा दौड़ पड़ा गुरु जी के पास पर्ची फेंकी के गुरुदेव हमें नहीं सिद्धि विद्धि चाहिए संभालो अपना मंत्र किसकी उपासना महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं ऋषि दयानंद जी कहते हैं वह हमारा गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है उसी की उपासना करनी योग्य है हम उसी की उपासना करें हो क्या जाता है बाहर की संबंध दिखाई देते हैं और बाहर की संबंध जब दिखाई देते हैं तो अंदर का जो संबंध परमपिता परमात्मा से है वो संबंध गौण हो जाता है इसलिए वास्तविक संबंध की चर्चा तो ऋषि करते हैं वेद करता है यथार्थ में हमारा संबंध किससे है यथार्थ में हम संबंध किससे बनाएं? क्या क्या संबंध हो सकता है लौकिक लोग तो दिखावे के लिए कुछ और संबंध होता है और अंदर का संबंध कुछ और होता है उन संबंधों को बहुत सारे लोग पकड़ते समझते भी हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाए वो अलग बात है बाबा जी के संबंधों को खूब आश्रमवासियों ने डेरावासियों ने देखा समझा होगा लेकिन राज सत्ता है राज सत्ता के रहते हुए कुछ नहीं बोल सके लेकिन अब एक एक निकल निकल करके बता रहा है कि ऐसे ऐसे करते थे ऐसे ऐसे करते थे आज भी अखबार में ऐसी ही कुछ चर्चा एक उनके शिष्य ने कर रखी है कि ऐसे ऐसे गुरुदेव करते थे गुरु की लीलाएं अपरंपार हैं दिखावे के लिए संबंध कुछ और अंदर का संबंध कुछ और यथार्थ संबंध परमपिता परमात्मा से है वो परमपिता परमात्मा का कभी भी दिखावे का संबंध नहीं होता जैसा बाहर का संबंध है ऐसा ही ईश्वर का अंदर का संबंध है उससे संबंध जुड़ेगा उससे बंध गए उससे बंध गए तो बंधन बंधन को काटने वाला हो जाएगा अन्यथा बाहर से बंध गए तो ये बंधन मूल बंधन को और कड़ा करता चला जाएगा और ज़्यादा हमें बांधता चला जाएगा ईश्वर से बांधें और बंधन को ढीला करें ओम शम